थोड़ी देर में चार लोकसभा समेत 11 विधानसभा सीटों के नतीजे, महाराष्ट्र की पालघर, भंडारा, गोंदिया और नागालैंड सीट का भी आएगा रिजल्ट, मोदी वर्सेस ऑल के फॉर्मूले का भी टेस्ट। यूपी के कैराना में बीजेपी का महागठबंधन से सीधा मुकाबला, दांव पर योगी की साख, करीब 24 राउंड की होगी काउंटिंग, महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट भी जीतने की चुनौती। कांग्रेस के ईवीएम विरोध का अभिषेक मनु सिंघवी ने निकाला दम, अपनी किताब में लिखा ईवीएम है भरोसेमंद, बाद में सफाई में कहा कुछ साल पहले लिखी थी किताब। उस वक्त का लिखा हुआ आर्टिकल है जब ईवीएम आए थे। ममता राज में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, शव के पास छोड़ी चिट्ठी में लिखा 18 साल से बीजेपी कार्यकर्ता, इसलिए हत्या किया, अमित शाह ने कहा राज्य सरकार के संरक्षण में मर्डर। हम चुप हो जाएंगे, हम चुप बैठने वाला नहीं है। एयरसेल मैक्सिस आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तारी की आशंका से घबराए पी चिदम्बरम, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक। कठुआ दुष्कर्म मामले में पठानकोट की अदालत में आज आरोपियों की पेशी, 9:30 बजे से होगी सुनवाई, वकीलों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम।